गाइस वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल मिस्टर गॉड। मैं हूं सुमित। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा हलवा। एक्चुअली उसे हलवा क्यों बोला जाता है आई डोंट नो, वैसे तो उसे बर्फी बोलना चाहिए गाइस। इसे इंग्लिश में अगर इसका मैं नाम अगर रखूं तो फिर इसका नाम होना चाहिए जेली। ठीक है गाइस, इसका नेम इंग्लिश में है जेली और हिंदी में है इसका नेम कराची हलवा या बॉम्बे हलवा। तो फिर चलिए हम लोग फटाफट इसकी रेसिपी देखते हैं। कराची हलवा या बॉम्बे हलवा या जेली हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कॉर्नफ्लोर, सवा कप चीनी यानी कि एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। हमें चाहिए इलायची का ऐसे पाउडर, ये मैंने घर पे 3-4 इलायची के दाने मैंने पीस दिए हैं। कोई भी आप कलर ले सकते हो फूड कलर, मेरे पास में ऑरेंज है। थोड़ा सा डालेंगे 1/4 टीस्पून और थोड़े से मेरे पास में ड्राई फ्रूट्स है, आप जो भी ड्राई फ्रूट चाहो वो ला डाल सकते हो। और यहाँ पे हम घी का यूज़ करेंगे, देसी घी है, घर का बना हुआ। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के बाद में लो फ्लेम करें, चीनी डालें और इसके अंदर में 1 कप भर के अपना पानी डालें। ये जो कप है ये आपका मेजरिंग कप से 1 कप है। अब हमने अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट करना है। चलिए उतनी देर मैं अपना कॉर्नफ्लोर आधा कप है उसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी डाला है, अच्छे से इसे फेंट ले। अब देखते हैं हमारा चीनी वाले घोल का क्या हाल है। ये भी भैया इसका हाल चाल अच्छा है, अच्छे से हो चुका है आपका मेल्ट। ये देखिए अब इसके बुलबुले आने लगे यानी चाशनी बनने वाली है। अपनी लो फ्लेम करें और अपना ये वाला मिक्सर इसमें डाल दें और अब इसे चलाते रहें जब तक ये एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर ना आपके सामने में आने लगे। और हाँ, फ्लेम बहुत ज़्यादा मत कर ले, लो टू मीडियम ही रखनी है। ये देखिए चलाते रहें, ऐसा एकदम बनता जाएगा। 10 मिनट हमने इसे पूरे पकाना है, चलाते रहें बीच बीच में, 10 मिनट पकाएं। इसे पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें मैं घी डाल रहा हूँ, आपका मन है आप घी इसमें रुक रुक के भी डाल सकते हैं, एक ही बार में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा शाइन वगैरह फ़र्क आता है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच घी डाला क्योंकि मेरा जमा हुआ घी था, इसलिए अगर आपका जमा हुआ नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा 8 बड़े चम्मच। अब इसमें मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए हैं, मतलब डाले हैं, मिक्स अभी कर देता हूँ। अब इसमें मैंने इलायची का अपना पाउडर डाला है जो मैंने पीसी हुई थी अपने घर पे। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर गया, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे लो फ्लेम करके 10 मिनट अच्छे से पका लें। जी पूरे 10 मिनट अभी आपका पकना चाहिए, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, फिर ये जेली नहीं बनेगा। फिर मुझे मत बोलना कि जेली नहीं बना। घी की अगर आपको और ज़रूरत है आप डाल सकते हैं। कैसे उसे और पूरा 10 मिनट पकाने के बाद में इसे एक मैंने मोल्ड में निकाल लिया, मेरा केक बनाने वाला है बर्तन, इसी में मैंने थोड़ा सा घी वगैरह लगा लिया था अच्छे से साइड में। अब इसमें डाल देता हूँ, इसके ऊपर से आप अपना कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैं काजू वगैरह डालूँगा। ये देखिए मैंने अच्छे स्लाइस किया हुआ काजू को, वही मैं डाल रहा हूँ। अब मैंने इसे रखा था 5-6 घंटे, उसके बाद में ये देखिए ऐसा बन चुका है, बढ़िया बन चुका है। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अच्छा लगता है ना काटने में जल्दी जल्दी। अब मैं इसे ऐसे पलट देता हूँ, एक बार ऐसे ऊपर से थोड़ा सा मारूंगा, निकल जाएगा, निकल जाता है आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट लगा के उसमें ऐसे पलट लूंगा क्योंकि काजू तो आगे लगा। गाइस अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने अगर ये वाला हलवा बना लिया तो खा के मुझे जरूर बताना कैसा लगा, बस यही है बड़ी बात है। और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके दिन अच्छे जाए, सबकी बहने भी उन्हें गिफ्ट दे, अच्छा रहेगा। गिफ्ट से याद आया बाबा कुछ आया हुआ है अपना, दीदी ने कुछ भेजा हुआ है। लाइक से कमेंट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज ही फिर।